आज हमारे साथ हैं निरुत्पल मृणाल जी। आप युवा लेखक हैं, 2016 में आपको साहित्य अकादमी से युवा लेखक का पुरस्कार मिला। आपकी जो उपन्यास है डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तान, तो आप बताएंगे उस उपन्यास के बारे में। उस उपन्यास की जो कहानी है वो दिल्ली में देश भर के कोने कोने से आए छात्र छात्राओं की अपनी संघर्ष की कहानी है, क्योंकि इस माहौल में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए गए लोग हैं, महानगर की ज़िंदगी है, तो एक संस्कृतियों का भी संक्रमण है भाई कि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आए हैं, बड़े शहर में आए हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, कई तरह का सामाजिक बदलाव भी वो देखते हैं, गाँव से आया हुआ आदमी है यहाँ, तो इस तरह से पढ़ाई की समस्याएँ, सफलता मिलती है कभी किसी को नहीं मिलती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर डार्क हॉर्स रचा गया है। एक ऐसा उपन्यास है जो मुखर्जी नगर के 25 गज की कमरे की कहानी, जिसके अंदर एक जलती हुई भट्टी है जिसमें कई लोग जल के खाक हो जाते हैं और कई लोग तप के सोना हो जाते हैं, ये उसकी कहानी। वाह। और मैंने भी सुना कि आपकी एक और नई किताब आने वाली है औघड़, तो औघड़ ये आपने ही बताया था कि कुछ जो पंचायत हैं गाँव की, वो जो जिस तरह की चीज़ें होती हैं गांव में, जो समस्याएं होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर, तो उसके ऊपर वो आप बताएं। हाँ, औघड़ एक नया आने वाली उपन्यास का नाम औघड़ है और वो ग्रामीण जटिलता पे है वो उपन्यास, और एक पंचायत चुनाव के दायरे में एक कहानी गढ़ी गई है जिसमें कि आप देखते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में जो गाँव का देश है, तो कम से कम हमारे उम्र के जो हम लोग लेखक हैं, तो हम लोग उस किताब के माध्यम से, मैं अपनी पीढ़ी की तरफ से भी ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम अपनी उम्र में भी हर चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तनों पर भी ध्यान रख रहे हैं, हम होने वाले आर्थिक विकास उसके इंद्रजाल पर भी नज़र रख रहे हैं, हम राजनीति के बदलते घटनाक्रम पर भी नज़र रख रहे हैं, और इन सब का प्रभाव हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है उस पर नज़र रख रहे हैं। वो महाजनी कहाँ है, अकाल कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ है, हमारे उत्सव कहाँ हैं, जात पात, छुआछूत, सामंती प्रवृत्तियाँ, इन सब पर हमारा देश 70 साल में बढ़ के जो आया है, तो 21वीं सदी का भारतीय गांव किस तरह का चित्र उपस्थित करता है, वो हम औघड़ में दिखाने का हमने प्रयास किया। चलिए, नई पुस्तक के लिए आपको शुभकामनाएं। और आपने जो नई पीढ़ी की बात की है, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आप नई पीढ़ी से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो हम लोग खुद नई पीढ़ी में हैं, तो हम लोगों से उम्मीद ये है, हम लोग खुद से उम्मीद करते हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ डीपी भाई बैठे हैं, कि हम लोग कुछ अच्छा लिख पाएँ और ठहर के लिख पाएँ नई पीढ़ी के साथ, हमारी पीढ़ी के साथ, आप भी नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को ठहर के लिखने की आदत डालनी होगी, और अभी हमारा मूल्यांकन करने का वक्त नहीं है, हमारा मूल्यांकन 10-15-20 साल के बाद किया जाएगा, अभी हमारे लिए वक्त है लिखने का, और हम पूरी ईमानदारी के साथ जो हम अपने समय को देख पा रहे हैं उसको हम दर्ज कर रहे हैं। मूल्यांकन इतिहास करता है किसी भी वर्तमान का, वर्तमान अभी हमारे लिए, हमारा वर्तमान कुछ गढ़ने का है, कुछ बनाने का है, उसके बाद इतिहास का अपना दायित्व वो हमारा मूल्यांकन करेगा, हमें ठहर कर। एक प्रश्न मेरा था कि जब आपको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला जी, खासकर युवा लेखन का, तो आपको क्या लगता है कि इस देश में का जो युवा है वो लेखन के प्रति जो प्रतिबद्ध है, क्योंकि अभी मेरी ममता जी से भी बात चल रही थी, तो वो कह रही थी कि मेरे बाद, उनके बाद की जो पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छा लिख रही है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे जब पुरस्कार मिला, मैं इसकी चर्चा हालांकि बहुत कम करना भी चाहूँ, लेकिन ये बात इसलिए महत्वपूर्ण थोड़ी है कि कहा जाता है कि नई पीढ़ी लोकप्रिय या पल्प लिख रही है, तो लोकप्रियता को इस तरह से बताया जाता है कि अगर किताब बेस्ट सेलर है तो उसमें गुणवत्ता तो नहीं होगी, वो केवल बिकती है, जिस तरह से बताया जाता है, तो मेरा पुरस्कार मेरी पीढ़ी के लेखकों के लिए एक हिम्मत है, एक सबल है कि हम जो लिख रहे हैं उसकी साहित्य में कीमत है। ये संयोग है कि ये पुरस्कार निलोत्पल मृणाल को मिला, हो सकता था ये पुरस्कार दीप प्रकाश दुबे को मिल जाता, या सत्यव्यास को भी मिल जाता, या निखिल सचान को मिल जाता, ये एक संयोग है कि वो निलोत्पल मृणाल को मिला। कहने का अर्थ यह है कि जो चीज़ युवा पढ़ रहे हैं आप उनको बिल्कुल इस तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि इसमें साहित्य नहीं होगा। तो मेरा पुरस्कार मेरे लिखने वाले उन साथियों को समर्पित है जो मेहनत से लिखते हैं और अपने समय को लिखते हैं, लेकिन लेकिन आलोचना का एक वर्ग उनको हल्का बोल के अगर खारिज कर देता है, तो उनके सामने मैं साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड लेके खड़ा हो जाऊंगा कि नहीं, मेरी पीढ़ी के पास ये है, हम लोकप्रिय अगर लेखन करते हैं तो हमें साहित्य, मैं ये उस पुरस्कार का महत्व। धन्यवाद।